सैयद दिल नवाज चिश्ती साहब जिन्होंने इस महफिल की सजावट और डेकोरेशन में बड़ी ही मेहनत और लगन से खिदमत अंजाम दी। सैयद दिल नवाज चिश्ती साहब की दस्तार बंदी जनाब सैयद इफ्तिखार अली साहब अब्बा मियाँ मौलाई इस प्रोग्राम में जो खिदमत की, जनाब शादाब मोमिन साहब की दस्तार बंदी, जनाब सैयद फखरे हसन साहब दस्तार बंदी करें शादाब मोमिन की। 2100 रुपए ऐलान करूं ना। जनाब सैयद खुर्शीद अहमद साहब जो हमेशा लोम अली के इस नूरानी प्रोग्राम में किताबत का फरीजा अंजाम देते हैं और हमेशा इस नूरानी महफिल के बाद मौलाई कमेटी की जानिब से दस्तार बंदी की जाती है, जनाब सैयद खुर्शीद अहमद कातिब साहब की दस्तार बंदी और नजराना जनाब सैयद शमीम नियाजी साहब आए और ये जनाब खुर्शीद अहमद कातिब साहब की दस्तार बंदी करें और 2100 रुपए का नजराना मौलाई कमेटी की जानिब से सैयद मोहम्मद शमीम नियाजी साहब देखेगी। इस साल के कन्वीनर दूसरे सैयद समीर चिश्ती जिनकी दस्तार बंदी जनाब सैयद फखरे मोइन साहब करें। हमने ये तो प्रोग्राम था दस्तार बंदी का। अब मुंसिफ हजरात जब अपना फैसला लेकर के आएंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम अपने वक्त पर 2:40 हुए हैं अभी मुकम्मल हो गया, पाए तकमील तक पहुंचा। और जितनी भी पार्टियां 9 पार्टियों ने अपना अपना कलाम बारगाह मौलाए कायनात में पेश किया, सभी का नजराना अकीदत एक से बढ़कर के एक रहा। जो हजरात इस महफिल में इनाम से बाहर रहें वो मायूस ना हो, इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम क़यामत तक इसी तरीक़े से जारी और सारी रहेगा, ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। आप लोग मेहनत करेंगे बारगाह मौला में हमेशा। पार्टियां हैं 9 पार्टियों ने सभी ने अपना अपना कलाम बारगाह मौला कायनात में बड़े ही लगन से जस्तजू से बड़ी ही अकीदत से बारगाह मौला कायनात में पेश किया। जो पार्टियां इनाम से बाहर रहें वो मायूस ना हो, इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम हमेशा इसी तरीक़े से जारी और सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे आइंदा साल उनको भी इनाम मिलेगा। सबसे कदीम जो प्रोग्राम है ये यौम अली का है, ये जनाब सैयद अब्दुल गनी गुरदेजी साहब इसके कन्वीनर रहे हमेशा। और जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ हमेशा इसमें तरक्की होती रही। इसमें जनाब सैयद अब्दुल गनी गुरदेजी साहब, मेरे वालिद बुजुर्गवार जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन साहब, मेरे चचा हाजी सैयद फारूक हुसैन चिश्ती साहब, मेरे ताया जनाब सैयद हामिद चिश्ती साहब, ये लोग इस प्रोग्राम में हमेशा पेश रहे और इन्हीं की काविशों का ये नतीजा है कि ये प्रोग्राम आज इस मकाम पर पहुंचा है कि लोग इस प्रोग्राम के लिए पूरा साल इंतज़ार करते हैं यौम अली का। और बड़ी ही अकीदत के साथ में बड़ी ही मोहब्बत के साथ खलूस के साथ बारगाह मौला में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। जो पार्टियां कलाम पेश करती हैं वो भी बड़ी जस्तजू से अपने अपने कलाम को तैयार करती हैं और उस पर मेहनत करती हैं। जो शोरा हजरात हैं वो भी इसमें बड़ी ही लगन के साथ में
बड़ी मेहनत के साथ में बारगाह मौला में पेश करने के लिए कलाम तैयार करते हैं और बड़ी ही अदब के साथ में जो पार्टियां पढ़ती हैं पेश करती हैं और जो सामेईन हैं वो भी इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। तो कदीम ज़माने से योम अली का ये प्रोग्राम मकबरे में इमाम की बारगाह में यहाँ पर मुनाकिद किया जाता है। उसके बाद में कुछ सालों से ये भी काफ़ी टाइम हो गया चौक में याद अली के नाम से बड़े ही अदब के साथ में वहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है। ये जिन जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम में लंगर में सजावट में मौला के इस प्रोग्राम में दाम में दरहम में कदम में सुखन है जिस अंदाज में जिसने भी जो खिदमत अंजाम दी है इंशाल्लाह बारगाह मौला कायनात में पंजतन पाक के सदक़े में उनके प्यारे हुजूर सरकार गरीब नवाज के सदक़े तुफैल में मौला सबकी खिदमतों को कबूल फरमाएं और जज्बा अता फरमाएं। जो भी खिदमात इसमें करते हैं उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता हो और ये मौला का प्रोग्राम है ये क़यामत तक इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। हम नहीं रहेंगे ये प्रोग्राम हमेशा बाकी रहेगा मौला का नाम बाकी रहेगा। ये हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह है ये उनके जद्दे अमजद का प्रोग्राम है तकरीब है इंशाल्लाह ताला हमेशा इसी तरीके से बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज में जारी और सारी रहेगी। और एक इनाम और जनाब सैयद फ़ख्र मोइन साहब चिश्ती की तरफ से 2500 रुपए जनाब सैयद फ़ख्र मोइन साहब शहरी पार्टी में अव्वल आने वाली पार्टी को फ़ख्र मोइन साहब की जानिब से 2500 रुपए जनाब सैयद फजल मोइन साहब पेश करेंगे। और शहरी पार्टी में जो सेकंड पार्टी आएगी उसको सैयद अबू तुराब चिश्ती की जानिब से 1100 रुपए पेश किए जाएंगे। और जो तीसरा इनाम हासिल करेगी शहरी पार्टी जनाब सैयद लारेब चिश्ती की जानिब से 1100 रुपए तीसरा इनाम हासिल करने वाली पार्टी को नजराना पेश किया जाएगा। पहला इनाम हासिल करने वाली पार्टी के शायर को जनाब सैयद सलमान चिश्ती साहब की जानिब से 2100 रुपए नजराना पेश किया जाएगा। अब जब रिजल्ट आए यहाँ पर तो आप मेहरबानी करके सब लोग खड़े नहीं हों, जिनका नाम पुकारा जाए वो आए और इनाम हासिल करें। बाकी हजरात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगह पर अपने मकाम पर तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह ताला।